मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम मधुराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग टोड़ी भजन भी है संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। संत स्वरूप हरि का जानो निर्मल जाके अंग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। संत सजन दे सत उपदेशा करत कुमत को भंग। शमद मयाधि साधन दे के लावत आत्म रंग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। संत जनों के मुख से हर दम सुनो प्रेम पर संग। ताका मनन ध्यासन करके पाओ धाम उतंग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। संतों का सत्संग जगत में करत कीट को भ्रंग। मैले मन को निर्मल करते जैसे पावन गंग मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। कहे टेऊ कर संग संतों का उरमे धार उमंग। संतों की कृपा से कबहूं काल न मारे डंग ओ मेरे मन। संतों का कर संग मेरे मन। संतों का कर संग। राग टोली भजन 20। मेरे मन संतों का कर संग। संत स्वरूप हरि का जानो निर्मल जाके अंग। अमृतमयी वाणी के इस मधुर भजन में श्री गुरु महाराज जी अपने ही मन को उपदेश दे रहे हैं कि सत्संग करो, संत महापुरुषों की शरण में जाओ। संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप। कहते हूँ रट राम को भय राम के रूप। संत ईश्वर के स्वरूप है और उनका अंतःकरण निर्मल है। ऐसे सतपुरुषों का संग करो। संत सजन दे सत उपदेशा। वे सतपुरुष सत्य का उपदेश देते हैं, परमात्मा से मिलाने की राह बताते हैं, कुबुद्धि कुमति को नाश करते हैं। समदम आदि साधन देके लावत आत्म रंग। सम दम इंद्रियों का दमन, मन पर नियंत्रण इत्यादि साधनों के द्वारा
आत्म रंग में वे रंग देते हैं। संत जनों के मुख से हरदम सुनो प्रेम प्रसंग, सतपुरुषों के मुखारविंद से जो अमृतमयी वाणी निःसृत होती है, जो प्रेम से भरी हुई वाणी है, उसको ध्यान देकर सुनो, वचनों का विचार करो, मनन करो और फिर उस पर आचरण करके धाम उतंग उत्तम धाम की प्राप्ति करो। संतों का सत्संग जगत में करत कीट को भ्रंग। जिस प्रकार से कीट कीड़ा भ्रंग के संग में मिट्टी के घर में बंद होकर शब्द सुनकर उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से अनहद नाद का श्रवण करके, गुरुदेव के मंत्र का जाप करके जिज्ञासु का आंतरिक स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जो मन के अंदर मैल है वो मैल दूर होती है, निर्मलता प्राप्त होती है, गंगा जैसा मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहे टेऊं कर संग संतों का, गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि संतों का संग करके मन में उत्साह और उमंग रखो, उनकी कृपा से कभी भी तुम्हें काल का डंक नहीं लगेगा, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन की निवृत्ति होगी। पाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवन आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया
ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।